हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर भाई खुद को धोखा दे रहे हो, घर वालों से धोखा कर रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो और अपने सपनों को धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो सपने अगर साकार करने हैं तो पढ़ना शुरू कर दो। जो नहीं पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, जल्द एग्ज़ाम होंगे, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिसेस के बारे में। हमने 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये आपकी चौथी क्लास है। पहले में हमने बेसिक देखा था, दूसरी क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखे थे मैट्रिक्स के, और तीसरी क्लास में मल्टीप्लीकेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, देख लेना मेरे भाई। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा था उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन अगर क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करो यारो, इतना सा तो तुम कर ही सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बैठ करके क्लास बना रहा हूँ तो इतना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम एक बार उसको शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है, और जो भी बच्चा देख रहा है लास्ट तक ज़रूर देखना, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, उसका रिप्लाई मैं खुद करूँगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हो, ये चीज़ आपको समझनी है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इट टू एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का मतलब क्या है कि 2 × 2 होगा तो 2 ऑर्डर की हुई ना, 3 × 3 होगा तभी तो स्क्वेयर बनेगी ना, जिसके 3 ही रो हो, 3 ही कॉलम हो, 2 रो हो, 2 कॉलम हो, 4 रो हो, 4 कॉलम हो। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है, 1:1, 2:2, 3:3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उनका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। तो कोई एक ही नंबर में टू एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट, उसका एक नंबर में चेंज कर देना डिटर्मिनेंट कहलाता है। एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित करें कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले भी पढ़ लेना भाई, जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम हो बता देना। एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से निकालना है आपको। ये कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी इसके एलिमेंट हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैसे डिनोट करते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होगा, और एक आप लिख सकते हो डी ई टी ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी ऐसे लिख सकते हो, और मैट्रिक्स के अंदर ऐसे लिखना है, ऐसे आप करोगे ए बी सी और डी, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिनोट करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पूछेगा नहीं लेकिन कम से कम ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय दिस दिस दिस, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। एक अवयव को सारणी में ऐसे दर्शाया जाता है, ओनली स्क्वेयर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, ये शुरुआत में ही बता दिया मैंने, स्क्वेयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स होगी तो एक ही एलिमेंट होगा ना इसमें, एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा, तो वो जो एलिमेंट होगा वही आपका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स यानी 2:2 की मैट्रिक्स है आपके पास, तो कैसे निकालोगे, तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा A11 और A22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस A121 और A12, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इनको क्या कर देना है, बीच में माइनस का साइन है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, पहले इधर करना है,
फिर इधर करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे मत कर देना पहले इसको करो फिर इसको करो, फिर साइन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर 2 4 1 2, ये -1 और 2 क्या है, एलिमेंट हैं चार किसी ए मैट्रिक्स के। डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2:2 माइनस -1:4, ठीक है। तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हो गया 4, प्लस में 4 एकम 4 यहाँ से हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो 3 ऑर्डर की अगर हो, 3:3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे आपने A11 से स्टार्ट किया, तो ये वाली रो छोड़ दोगे, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे और ये वाली रो छोड़ दोगे, बाकी को, तो बाकी को जो 2:2 में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, A22, A23, A32 और A33। अब जो A11 है इसको कहाँ लिखा, बाहर लिखा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, ठीक है। माइनस, तो सेकंड रो अब क्या है, अब इसकी बात करें तो क्या है, सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो लेंगे, उससे पहले साइन आपको ध्यान में रखना है, माइनस लगेगा, ठीक है। सेकंड रो का एलिमेंट क्या है, A12, तो A12 को हमने यहाँ पर लिखा, अब ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। बचा क्या, तो A21 ये वाला एलिमेंट, A23 ये वाला एलिमेंट और A31 और A33 ये वाले एलिमेंट लिखेंगे और इनका डिटरमिनेंट निकाल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रो के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, तो थर्ड कॉलम यहाँ से आप ये छोड़ोगे, A13 एलिमेंट है ना इसका, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का, तो ये रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे, बचा क्या, तो जो बचेगा A21, A22, A31 और A32, ये यहाँ पर डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे। अब क्या बना, तो ये जो सब कुछ आया है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, अगर 3:3 की कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है उसके लिए, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ये देखो, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट ये हैं, तो डिटरमिनेंट में ऐसे लिखोगे, लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है, आपको तो आंसर चाहिए ना, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, समझाने के लिए चीज़ें लिखी है बच्चे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बाहर लिख लिया, बाकी सब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 -1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल, 11 एकम 11। फिर माइनस का साइन, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हुआ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हुआ, -4, तो ये कितना आ जाएगा, 2:4, साइन बाहर माइनस का है, ठीक है, यहाँ से देख लेना। थर्ड, तो थर्ड का एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट है 1, तो ये हो जाएगा 1, अब बचा क्या अंदर, तो 2 और 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 और 1 तो 2 हो जाएगा, और ये 4 3 12 -12 हो जाएगा, तो यहाँ से -10 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -10 ही रहेगा, ठीक है। आगे हमने सॉल्व किया तो ये 11 आ गया, ये माइनस 2:4 आ गया, और ये प्लस 1 -10 आ गया, तो 11, ये -8 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, टोटल हुआ ये 18 और ये प्लस 11, तो -18 है प्लस 11 है -7, आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या लिखोगे, -7 लिखोगे। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कह रहा है कि जब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ये कह रहा है कि जी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो ना, तो आपकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की रहेगी वो सेम रहेगी। कैसे, तो अगर आपने ये कोई मैट्रिक्स है आपकी, इसमें आपने पूरी रो चेंज कर दी, कैसे चेंज की, देखो A1, A2 और A3 है ना, ये वाली इसको कॉलम में लिख दिया आपने, ठीक है। B1, B2, B3 ये रो है, इसको भी आपने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह C1, C2, C3 ये रो है, इसको आपने ऐसे कॉलम में लिख दिया,
ठीक है, तो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जी रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के साथ, किया क्या है ट्रांसपोज, यानी उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम रहेगा, ये बात कहना चाहता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी इज सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। ये कह रहा है कि जी कोई दो रो या कॉलम हैं, उनको चेंज किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, तो उसके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। इसी तरह आपके पास बी मैट्रिक्स हमने बनाई इंटरचेंज करने से, थर्ड रो को हमने लिख दिया फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो को लिख दिया थर्ड रो में, ठीक है, ऐसे इंटरचेंज कर दिया। तो अब आपको क्या मिलेगा, जो यहाँ से डिटर्मिनेंट मिलेगा ना, वो इसके डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है, ये कहना चाहता है ये। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं डिटर्मिनेंट की। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, यानी सेम हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम अगर सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप निकाल करके भी देख सकते हो, कोई भी दो रो और कॉलम लोगे तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ठीक है। जैसे ये ए वन ए टू ए थ्री है, बी वन बी टू बी थ्री है, फिर से ए वन ए टू ए थ्री है, तो दो रो सेम हो गई ना, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चे। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स, ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ दैट कांस्टेंट होगा, ठीक है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीपल, उस नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, उस नंबर का गुणज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला और अब आपको एक रो को आपने बी मैट्रिक्स बना ली के से मल्टीप्लाई करके पहली रो को, और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के इंटू में दिस मैट्रिक्स। ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स ही है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू के ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ठीक है। ये कहना चाहता है ये यहाँ पर, कि आपने जो ए का डिटर्मिनेंट निकाला है उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर आपने बी ऐसी मैट्रिक्स बनाई है जो ए के किसी एक लाइन को उस के से मल्टीप्लाई करने पर बनी हो, ठीक है, या किसी एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई करने पर बनी हो, ठीक है। फिफ्थ देखो, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये कह रहा है कि जी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उसको जैसे आपने ये लिखा हुआ है कि जी ए प्लस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, बी प्लस सी, सी प्लस डी, तो उसको अलग अलग आप करके लिख सकते हो। कैसे, एक वाले में ए लिखा, दूसरे में बी लिखा, यहाँ पर सी लिखा, डी लिखा, और ई और एफ दिया हुआ है, तो यहाँ ई लिखोगे, यहाँ पर एफ लिखोगे, अलग अलग से दो मैट्रिक्स
बना करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको जैसे और कुछ दिया हो पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी पी क्यू आर एक्स वाई जेड लिख दोगे, ठीक है। अलग अलग ऐसे दो मैट्रिक्स बना करके आप लिख सकते हो। एग्जांपल देख लो कुछ, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए वन प्लस लैम्डा वन, ए टू प्लस लैम्डा टू, ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री, बाकी बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इनको दो मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो। कैसे? ए वन ए टू ए थ्री अलग लिख लिया यहाँ से, ठीक है। इस मैट्रिक्स से ए वन ए टू ए थ्री अलग लिख लिया, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अलग लिख लिया, बाकी सब नीचे वाले क्या हैं? सेम हैं। बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल करके आप कह सकते हो कि जी ये इसका डिटर्मिनेंट होगा, जोड़ दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। हरियाणा कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्लैरिकल में सिर्फ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए थे, और वहाँ भी आपने देखा होगा। बाकी टेक्निकल जो पोर्शन पूछा जाता है, जैसे जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एग्जांपल के लिए आप देख लो, मैट्रिक्स ए है कोई, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। जब आपने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 3 × में 24 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 × में तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, और 5 × में यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 12 और 4 × 3 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 0 0 ही होंगे ना, तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वो सबको 0 कर देता है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। यानी ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चे, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, ठीक है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कोई भी मैट्रिक्स आप लोगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आता हो माइनस प्लस में, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और पढ़ना शुरू कर दो बच्चे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और जॉब हासिल कर लोगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।